आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और माहौल चुनावी बन चुका है। जो आज हुआ वो राजनीति है या फिर गलत कर्मों का फल, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब चुनाव नजदीक होते हैं तो आईटी और ईडी का शिकंजा कसने लग जाता है। वही आज भी हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के खिलाफ आयकर विभाग की कार्यवाही हुई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सपा के तीन बड़े नेताओं के ठिकाने पर रेड की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जैनेन्द्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी हुआ है वो सरकार डर रही है, इस वजह से हुआ है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और हमला बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नैतिक नहीं तो और क्या हो सकता है, मेरा कौन सा अपराध है? ये तो पुलिस वाले लोग हैं, अकेला साथ देता हूँ जिसके नाम के साथ कोई अपराध संख्या नहीं लिखा है, कोई अपराध संख्या मेरे नाम के साथ नहीं लिखा है। मेरा कोई यूपी में कारोबार नहीं है, कोई मेरा ठेका केटा परमिट लाइसेंस वाला कोई धंधा नहीं है। थोड़ा क्या चल रहा है अंदर, क्या चल रहा है अंदर? अब वो लोग अपना मेरे मोबाइल को क्लोनिंग कर रहे हैं और भी लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए आप इसका जो काम कर रहे हैं इनकम टैक्स के लोग हैं जो काम कर रहे हैं इनको करने दें। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, जितने भी मेरे कार्यकर्ता है सुन लो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि इनको मौका न दें कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाकर आपके ऊपर FIR करें, आपके ऊपर केस करें, फिर हम लोग उलझ जाएं। मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, मेरा क्लीन इमेज है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। अमित शाह की रैली की वजह से ये सब किया जा रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना? अमित शाह के चेक करने का है, यहीं पर मऊ में चले जाए उनके लोगों के पास, वही मऊ में है हिम्मत तो चुनौती देता हूँ, चले जाए, नहीं जाएंगे। राजनीति में सफाई की बात है, अपना प्रक्रिया कर रहे हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे नौजवानों, दिलीप पांडे हो, किसी से कोई या सो नारेबाजी मत करना, नारेबाजी करोगे तुम लोगों को केस नोटिस जाएगा और परेशानी होगी। और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे, कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट, अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, CBI आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं, आज उनको भी छापा मार दिया। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो प्रशासन के लोग खड़े हैं और ये माननीय राजीव राय राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का ये कार्यालय है और ये वो कुछ दिन से आरा के निवास करके चुनाव प्रचार की तैयारी में लगे हुए हैं और आज अचानक सुबह प्रशासन के लोग यहाँ कुछ लोग आए हैं, अंदर किसी विभाग के लोग मौजूद हैं, हम लोगों को अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं और बता भी नहीं रहे कि आखिर क्या कार्रवाई चल रही है। अंदर से दरवाज़ा बंद है और उनके सभी समर्थक यहाँ धीरे धीरे जुट रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई हो रही है, कौन सी कार्रवाई हो रही है, कुछ कोई किसी तरह की सूचना जानकारी नहीं दी जा रही है, कुछ नहीं बताया जा रहा है कि हमको कोऑपरेट कीजिए। हम लोग तो समय मांग रहे हैं केवल कि आप लोग बाहर रहिए, कोई ना अंदर आएगा ना कोई अंदर से बाहर जाएगा। ये तो सरकार की तानाशाही रवैया का सीधा सीधा उदाहरण देखा जा रहा है। सरकार के हताशा और निराशा का ये कारण है कि प्रशासन अपनी मनमानी पे उतर आई है। ये लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए, सुबह से ही चल रहा है, सुबह से ये लोग आ गए, हम लोग सारे समर्थक उनके लोग बाहर खड़े हैं, प्रशासन से पूछा भी जा रहा है, कोई कुछ बताने को भी नहीं तैयार है, कुछ नहीं बताया जा रहा है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। तो कोऑपरेट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, पूछा गया उसके बाद भी नहीं बता रहा है कोई। तो आपने
सुना किस तरह से राजीव राय ने कहा है कि मऊ में ही कई लोग हैं उनके यहाँ चले जाए, यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे कि उनके अभी रेट पड़नी चाहिए। तो वही जैनेन्द्र यादव ने कहा कि सरकार की तानाशाही है, मनमानी चल रही है। तो अखिलेश ने कहा है कि हमको इंतजार था आईटी का कि कब आईटी वाले आएंगे रेड करेंगे, अभी तो सिर्फ आईटी आई है, अभी ईडी भी आएगी, और लेकिन इन सब के बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी। ये बता रहे हैं अखिलेश कि सरकार डर गई है, इस वजह से अब ये सब हथकंडे अपना रही है। तो ये देखा जा रहा है कि किस तरह से अब चुनाव नजदीक आ गया है, और हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सपा से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं शौकत अली जी, और बीजेपी से जुड़ चुके हैं केसी जैन जी। सबसे पहले शौकत अली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से आज आईटी की रेड हुई है, क्या कहेंगे, क्या था ऐसा जिसकी वजह से आईटी वालों ने रेड करी, आपके प्रवक्ता क्या, निजी सचिव क्या? लेकिन सरकार डरी हुई है, चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि उत्तर प्रदेश से हमारी विदाई तय होने वाली है, तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कैसे किया जाए उसकी कवायद भी लग गई। और ये कोई नई बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में, देश में भी ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा जो भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ बोलता है शिखा जी, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो या कोई समाज सेवी क्यों ना हो, राजनीतिक दल ही क्यों ना हो, आम आदमी क्यों ना हो, तो सरकार ये कोशिश में रहती कि उसकी आवाज कैसे दबाई जाए, कैसे उसको दबाया जाए, इस प्रयास में हमेशा रही है सरकार। आपको याद होगा तमाम पत्रकारों ने निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करने का काम किया, उनके यहां भी छापे पड़े हैं, तमाम समाज सेवी थे जो देश में सेवा करने का काम कर रहे थे उनके यहां भी छापे पड़े हैं, तमाम राजनीतिक दल भी हैं। अगर सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में उत्तर प्रदेश में हम लोग बताने का काम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं। तो इस तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम उनकी विदाई तय कर चुकी है, 22 में इनके जाने का समय आ गया है, लाख कोशिशों के बाद भी ये बचने वाले नहीं है। कितनी देर भी सरकारी तंत्र का उपयोग कर पाएंगे, 2-3 महीने बचे हैं, जितना करना है कर लीजिए, समाजवादी लोग इस चीजों से डरने वाले नहीं है। आपकी विदाई का अंत आ गया है, आपका समय हो गया है, अब आप जाने की तैयारी करिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता आपकी विदाई तय कर चुकी है। जी शौकत अली जी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि चलिए आईटी ने रेड करी, लेकिन एक साथ सपा के ही तीनों नेताओं पे रेड करी गई। देखिए मैंने कहा ना, ये कोई नई चीज सीखा जी नहीं है, इससे पहले भी तमाम जगह हुई है। आखिर तमाम लोगों पे वही लोग क्यों टारगेट होते हैं जो सत्ता के विरोध में खड़े होते हैं, जो सरकार के विरोध में खड़े होते हैं। अरे तमाम आपके सहयोगी भी हैं, उनके यहाँ भी पूछ लीजिए, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, उनके यहाँ भी जरा ईडी की जांच करवा लीजिए, तमाम लोगों के यहाँ ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि हमारे खिलाफ जो आवाजें उठेंगी उनको हम दबाने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की आवाज को ये दबाना चाहती है सरकार, लेकिन आम जनमानस इनकी विदाई तय हो चुकी है। जी तो जिस तरह से आईटी की रेड करी जा रही है, और अखिलेश यादव ने भी बोला है कि अभी ईडी भी आएगी, तो क्यों आएगी ईडी, क्या लग रहा है सरकार डर रही है इस वजह से ये सब हो रहा है, या फिर अपने ही कर्मों का फल देखने को मिल रहा है इन नेताओं को जिनके ऊपर आज आईटी की रेड पड़ी है? देखिए हमने कहा शिखा जी, ये कर्मों का फल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करना चाहती है और कर रही है। ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि आज हमारे पे छापेमारी हुई, इसलिए कह रहे हैं, तमाम चीजें आप देख लीजिए उठाकर, पत्रकारों पे नहीं छापे पड़े हैं, इसी देश में जो लोग सेवा कर रहे थे उनके घर छापे नहीं पड़े हैं, तमाम लोगों के घर छापे डालने का काम किया है सरकार ने। सरकार जब डर जाती है तब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश में आज इसकी क्या जरूरत पड़ी जो सरकारी तंत्र का आप दुरुपयोग कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की आवाम आपसे जवाब मांगती है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, डरी हुई है सरकार। सरकार वो जनसैलाब देखकर डरी हुई है, सरकार उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की बात नहीं सुनना चाहती, और जो जनमानस आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ ये देखकर उत्तर प्रदेश की सरकार इतना भयभीत हो गई है कि आज सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। जी शौकत अली जी, एक प्रक्रिया होती है चुनाव से पहले कि सभी नेताओं को अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, तो क्या वो दिया हुआ है आपकी पार्टी के सभी नेताओं द्वारा? सरकार से माननीय सदन में नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल और पूछा। जी सरकारी विवरण तो देना ही होता है, हमें अपनी अपनी संपत्ति का विवरण तो देना ही होता है। जी एक सवाल और भी पूछा था, एक सवाल खड़ा किया था उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आपके सदन में कितने सदस्य अपराधी हैं, इसका डाटा सार्वजनिक करें,
कितने सदस्य अपराधी हैं और किस दल में है, सार्वजनिक करने का काम करें। क्या सरकार ने किया जी? अगर ये हो जाता तो मुझे लगता आज भारतीय जनता पार्टी किसी को मुंह दिखाने लायक न बचती। सदन में खड़े होके पूछा था, किसी चौराहे पे खड़े होके नहीं पूछा था। जहाँ जवाबदेही है हमारी, जहाँ तय होता है कि हमें यहाँ जवाब देना पड़ेगा, हमें संपत्ति का विवरण देना पड़ेगा या हमें अपने अपराध का विवरण देना पड़ेगा, वहां माननीय सदन ने पूछा था या आप विवरण दीजिए कितने आपराधिक मुकदमे के लोग आपके सदस्य हैं और इस विधानसभा में कितने उपस्थित हैं, किस दल के लोग हैं, ये बताना चाहिए था उत्तर प्रदेश सरकार को कि हमारे दल में कितने हैं कितने नहीं है। सरकार का चेहरा साफ हो जाता और फिर विवरण की बात आती कि आपकी आय कितनी है वो बताने का काम करिए। माननीय सदन ने इस बात को गंभीरता से उठाया था, नेता प्रतिपक्ष ने जी। उस डर को कैसे वो साबित करे, कैसे बताए जनता को कि हम कितना डर गए। इसलिए आज सरकारी मशीनरी का कैसे दुरुपयोग होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है जी। शौकत अली जी, जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान दिया है कि कुछ भी कर लिया जाए, कोई भी कार्यवाही कर ली जाए, लेकिन साइकिल की स्पीड कम नहीं होगी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए शिखा जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ को अब उखाड़ फेंकना है। इस तरह की कार्रवाई से समाजवादी लोग डरने वाले नहीं है। इससे पहले तमाम कार्रवाई सरकार ने की है, तमाम लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे किए हैं, तमाम लोगों को जेल भेजा गया है। माननीय आजम खान साहब का उदाहरण देता हूं मैं कि आजम साहब के साथ राजनीतिक दोष के कारण कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह तमाम समाजवादियों को जेल भेजने का काम किया, तमाम लोगों पे फर्जी मुकदमे, लेकिन समाजवादी लोग पीछे हटने वाले नहीं और सरकार की जो गलत नीतियां उसको उजागर करते रहेंगे। आपको कार्रवाई करनी है, आपको छापे डालने डालते रहिए। उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है और उत्तर प्रदेश की जनता अब जवाब देने के लिए बैठी हुई। लगता है कि आईडी की कार्यवाही सिर्फ विपक्ष पे होनी चाहिए या फिर सत्ता पक्ष पे भी होनी चाहिए? मैंने अभी कहा आपसे कि शिखा जी, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी जांचें होनी चाहिए। क्या सरकार ने उनकी जांच कराई? नहीं कराई है, चुपचाप सरकार बैठी हुई है। लेकिन दोषारोपण करके किसी तरह राजनीतिक दोष के कारण जो है किस तरह विपक्ष पे कार्रवाई की जाए, किस तरह उनको डराया जाए, किस तरह आवाम को डराया जाए, किस तरह पत्रकारों को डराया जाए, तमाम लोगों को डरा कर भारतीय जनता पार्टी कुर्सी पे बने रहना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब जवाब देने के लिए इनको तैयार बैठी है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपके अंदर डर नहीं होता तो मुझे लगता है इस तरह की कार्रवाई करने की कोई चित बनता नहीं। आप निष्पक्ष होकर कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन ये भी तो बताइए कि जो आपके दल में चोर बैठे हैं उनकी जांच कब करवाएंगे? उनके अगर भी जरा ईडी और आईडी का भेजने का काम करिए, दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह डरी हुई है, इसीलिए इस तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है जी। हमारे साथ बीजेपी से केसी जैन भी जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, जिस तरह से आज ये कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे उस पे? शौकत अली जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी तक ये हो रहा है कि चुनाव आता है और आईटी और ईडी की कार्रवाई लगातार शुरू हो जाती है और खासतौर से विपक्ष पे होती है, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होता है तो पुरानी सरकार के ऊपर ज्यादा शिकंजा कसने लगता है। देखा जाता है कि जितने भी घोटाले होते हैं उनके काले चिट्ठे सामने आने लगते हैं। तो अगर सत्ता परिवर्तन होता है, बीजेपी सत्ता से जाती है, तो क्या ऐसी नौबत आएगी? देखिए, हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा उद्देश्य बदला लेना नहीं, हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश को विकसित करना है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देना है, उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाल हो इस पे हमें तैयारी करनी है, हमें इस पे काम करना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर बदले की भावना से काम किया तो हम भी बदले की भावना से काम करें, हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं रहता। समाजवादियों का उद्देश्य समाज में कैसे खुशहाली आए, नौजवान कैसे रोजगार पाए, नौजवान को कैसे लैपटॉप मिले, बेटियां कैसे सुरक्षित हो, इस पे समाजवादी सरकार काम करती है, कैसे उत्तर प्रदेश का विकास हो, किसान कैसे खुशहाल हो, इस पे समाजवादी सरकार काम करती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने मत दिया था, आज भारतीय जनता पार्टी क्या काम करने का काम कर रही? उत्तर प्रदेश की सरकार बदले की भावना से काम कर रही, उत्तर प्रदेश की सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का काम कर रही। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको इसलिए कुर्सी पे नहीं बिठाया था कि आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करिएगा, जो आपके खिलाफ जो विपक्ष की खूबसूरती है, जो सत्ता की खूबसूरती है, उसे बिगाड़ने का काम करिएगा। अगर सदन में कोई आवाज उठाता है तो आप उसके खिलाफ जो है तमाम तरह की जांचों का तमाम तरह की जांच करने का कार्रवाई करते हैं, तमाम तरह के सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देना चाहती है। तो किन किन परेशानियों का सामना कर रही है इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, उसमें जनता किन परेशानियों का सामना कर रही है, क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आज रोजगार नहीं मिल रहा, उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से जूझ रही, उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से जूझ रही, किसानों ने एक साल तक आंदोलन किया है,
किस तरह उत्तर प्रदेश के आवाम को यातनाओं का सामना करना पड़ा, किस तरह उत्तर प्रदेश की जनता को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज उत्तर प्रदेश की जनता इनसे पूछती है कि हमारे लिए आपने क्या किया, हमारे लिए रोजगार के लिए आपने काम क्या काम किया। रोजगार के लिए तमाम नौजवान युवा आज सड़कों पे हैं, तमाम मुख्यमंत्री की चौखट पे धरना दे रहे हैं, तमाम लोग उनसे बात करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि सरकार जवाब दे। सरकार जवाब दे ही नहीं तय कर रही है। सरकार चाहती है कि कोई हमसे सवाल ना पूछे, जिस तरह हम काम कर रहे हैं हमें करने दिया जाए। उत्तर प्रदेश की जनता का हाल पूछने वाली सरकार आज सरकार संज्ञान लेने को भी तैयार है जी। और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और बाकी विपक्षी दल भी तो है, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बात बहुत अच्छे से जानती है कि समूचे उत्तर प्रदेश में अगर कोई दल भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को जनता के बीच रख पा रहा है तो समाजवादी पार्टी। और वो ये भी जानते हैं कि आज अगर हमको कोई सत्ता से विदा कर सकता है, हमको सत्ता से कोई हमारी कुर्सी से हटा सकता है तो समाजवादी पार्टी। इसीलिए किस तरह बदले की भावना से काम किया जाए वो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकारी तंत्र का कैसे दुरुपयोग किया जाए उस पर आज आमादा है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी बड़ी समझदार है, वो सब चीजें देख रही है कि जब आपको जनता के बीच काम करना चाहिए था आप जनता के बीच नहीं आए, और आज जो हमारी आवाज उठाने का काम कर रहा है उसकी आवाज दबाने का प्रयास करेंगे तो हम आपको कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने अब मन बना लिया, इनको 22 में उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। सत्ता परिवर्तन होती है तो क्या कुछ कार्यवाही देखने को मिलेगी बीजेपी के ऊपर? रोजगार में कितना जोड़ा जाए इस पर काम किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में कैसे विकास पैदा किया जाए ये इस पर काम किया जाएगा, बेटियों को कैसे सुरक्षा दिया जाए इस पर काम किया जाए, नौजवानों के हाथ में रोजगार हो, नौजवानों के हाथ में लैपटॉप हो, तमाम लोग खुशहाल हो, उत्तर प्रदेश इस पर समाजवादी सरकार काम करती है। हम बदले की भावना से काम नहीं करते जी। तो मतलब कि कोई कार्यवाही नहीं करी जाएगी अगर आपकी सरकार आती है? मैंने कहा ना, बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी काम करती, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को खुशहाली की ओर ले जाने के लिए काम करती है। ये काम हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का काम है, वो करते रहे जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार द्वारा कराया जा रहा है? अगर आपको लगता है अभी भी कि सरकार ये सब काम नहीं कर रही तो मैं पूछना चाहूंगा चुनाव के ऐन मौके पर ये अचानक इतनी सारी छापेमारी क्यों हो रही है? और आपको उदाहरण के तौर पर मैंने अभी तमाम चीजें बताई थी कि जो लोग उत्तर प्रदेश सरकार या देश की सरकार के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या फिर पत्रकार हो, समाज सेवी हो, आम जनमानस हो, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकारों ने क्या किया ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है। तमाम पत्रकारों के खिलाफ जांचें हुई हैं, तमाम पत्रकारों के खिलाफ पर्दे छापे हुए हैं, तमाम देश में वो समाज सेवी उनके खिलाफ उनके यहाँ भी छापे पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अचानक ऐसा क्या हो जाता है जो आपके संज्ञान में आ जाता है कि ये व्यक्ति चोर है, इसने टैक्स चोरी कर लिया होगा या तमाम संपत्ति अर्जित कर ली होगी, अचानक आपको कैसे याद रहता? अच्छा, खासकर तब होता है जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा होता है वही इनको टारगेट में नजर आता है, बाकी अन्य लोग नहीं नजर आते हैं क्या? आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही है? जितने लोगों ने आज तक सरकार के खिलाफ बोला है उनके खिलाफ सरकारी तंत्र का उपयोग करके, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके कैसे उनकी आवाज को दबाया जाए ये कोशिश हमेशा सरकार करती रही है जी। तो आवाज दबाने की बात कह रहे हैं आप, क्या वजह है आपकी, कौन सी ऐसी आवाज दबाई गई? क्योंकि प्रदर्शन तो लगातार हो रहा है, सपा ने भी हमेशा प्रदर्शन किया है, कब आवाज दबाई गई? आपको क्या लगता है इन जांचों से क्या मिला? कितनी आज तक छापेमारी हुई, वहां कुछ बरामद हुआ, कुछ मिला? नहीं मिला है। तमाम समाज सेवी थे देश के अंदर, उनके घर छापेमारी हुई, कुछ बरामद हुआ? तमाम निष्पक्ष पत्रकार थे, उनके यहाँ छापेमारी हुई, कुछ बरामद हुआ? नहीं हुआ। सरकार सिर्फ एक डराने का एक प्रयास करती है कि किस तरह हम आपको छापे से डरा लें, लेकिन मुझे लगता है जो व्यक्ति सच का साथ दे रहा होता, सच के साथ खड़ा होता, वो व्यक्ति डरने वाला नहीं। आज समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं, तमाम निष्पक्ष पत्रकारों के यहाँ भी छापे पड़े, कोई डरा नहीं। सरकार की गलत नीतियों को हम उजागर करते रहेंगे, चाहे पत्रकार हो, हम राजनीतिक दल है, हम भी अपनी बात रखते हैं, सदन में भी रखते हैं, सड़क में भी रखते हैं। आप चाहे जितनी कोशिश करते रहे, चाहे जितनी कवायद करते रहे कि हम आप हमें दबा ले जाओगे, लेकिन हम दबने वाले नहीं, हम जनता की आवाज को लगातार उठाते रहेंगे जी। तो अगर इतना ही जनता के बारे में सपा सोच रही थी तो आखिर जनता ने सत्ता परिवर्तन क्यों कर दिया? ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, कुछ झूठे लोग ऐसे आए गुजरात से, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि 4.5 वर्ष हो जाने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार के नाम पे ठगने का काम किया, नौजवानों को महंगाई के नाम पे ठगने का काम किया, किसानों को बिल के नाम पे ठगने का काम किया। उत्तर प्रदेश की आवाम पूरी तरह ठगी हुई महसूस कर रही थी अपने आप को। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने इनसे पूछा कि महाराज जी हमें इतना बता दीजिए, 4.5 वर्ष हो गए, आपने समूचे उत्तर प्रदेश में क्या किया? इनके पास कोई जवाब नहीं था। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जवाब देने के लिए 22 में मन बना लिया। उत्तर प्रदेश
की जनता जब भी इनसे अपने हित की बात पूछती है, अपने हक की बात पूछती है, ये उन्हें जवाब नहीं देते हैं। और जब कोई उनकी आवाज उठाता है तो उस पर तमाम तरह की कार्रवाई करके आप उनकी आवाज दबाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार आपने धोखा देकर कुर्सी पर आसीन होने का काम कर लिया, उत्तर प्रदेश की जनता आपको दोबारा मौका नहीं देगी। अब कुर्सी पर हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। जी, जिस तरह से शौकत अली जी लगातार कई मुद्दे देखने को मिलते हैं, विकास के मुद्दे को लेके बात कह रही है बीजेपी कि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, जाति धर्म तो देखने को मिलता ही है यूपी के चुनाव में, तो क्या कहेंगे इस बार विकास जितना किया गया है बीजेपी के द्वारा, क्या उस पर वोट मिल सकता है, क्या दोबारा दोहरा सकती है सरकार? अगर उत्तर प्रदेश की जनता को विकास की बात कह रही है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार आईना फिर से देख लेना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी मंच पे हो या टीवी पे हो, कभी वो विकास की बात नहीं करते। और दुर्भाग्य देखिए, वो लोग विकास की बात कर रहे हैं जिन्हें विकास का बात नहीं पता होता है। उनसे पूछिए कि जब भी आप मंच पे होते हैं तब विपक्ष दो साल ऊपर करने का काम करते हैं, टीवी पे आते हैं तब भी विपक्ष दो साल ऊपर करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनता आपके सामने समक्ष खड़ी होती है, वो ये उम्मीद लगाकर ये आंख भरी आंखों से देख रही होती है कि अब हमारा नेता हमारे सामने खड़ा है, सकता उत्तर प्रदेश में कुछ देकर जाएगा, उत्तर प्रदेश में आम जनमानस के लिए क्या काम किया ये बताकर जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, चाहे मंच की बात हो, टीवी की बात हो, तमाम और चर्चाओं की बात है, वो विपक्ष से दोषारोपण करने का काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरजमी पे आपने क्या काम किया है, उत्तर प्रदेश की जन कल्याणी योजनाओं के लिए आपने क्या काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ये सुनना चाहती, उसे आप जवाब नहीं दे पाते। उत्तर प्रदेश के रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश का नौजवान आपसे पूछता है कि आपने हमें कितना रोजगार दिया, ये बताने का काम उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर पाती। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए महिला जब पूछती है कि आपने हमारी सुरक्षा के लिए क्या किया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब नहीं दे पाती। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता अब ये सोचने लगी है कि अगर कोई सच में उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था तो अखिलेश यादव कर रहे थे। इन लोगों ने एक बार धोखा देकर सत्ता तो आश्रित कर ली है, लेकिन दोबारा इनको उत्तर प्रदेश की जनता मौका नहीं देगी। जी शौकत अली जी, सपा विकास के मुद्दों की अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर चल रही है? देखिए, समाजवादी सरकार के दौरान जो लैपटॉप दिए जा रहे थे उनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। हम नौजवानों को 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम 18,000 पेंशन देने की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों ने, हमारे नेता ने एक बात बहुत साफ तरीके से कही है कि हम कोई घोषणा नहीं करेंगे, हम मैनिफेस्टो जारी करेंगे, जो मैनिफेस्टो में होगा वो कर दिखाएंगे। जी शौकत अली जी, जैनेन्द्र यादव के घर जो कि निजी सचिव भी हैं, उनके घर जब रेड पड़ी तो उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सरकार की तानाशाही चल रही है, सरकार मनमानी कर रही है, क्या कहेंगे? तो हमने कहा सरकार डराने का प्रयास कर रही है, मनमाने तरीके से काम कर रही है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तमाम चीजों का दुरुपयोग कर रही है। वो चाहती है कि लोग डरे, उनकी जो गलत नीतियां हैं वो जनता के बीच ना पहुंचे, और हम लोग उसको आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, चाहे पत्रकारों की बात हो, हमारी बात हो, राजनीतिक दलों की बात हो, तमाम लोग सरकार की गलत नीतियों को उत्तर प्रदेश की जनता के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस बात से सरकार डरी हुई है कि हमारी गलत नीतियां उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, ये मैसेज अगर उत्तर प्रदेश की जनता के पास ठीक से पहुंच गया तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसी डर से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। जी, तो जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हो रही है, अभी आपको क्या लगता है कि आगे और कुछ कार्रवाई होगी, या फिर जो है अगर सपा के ये जो तीन नेता जिनके घर पे रेड पड़ी है, अगर वो गलत साबित नहीं हुए तो आगे इस तरह का कदम नहीं उठाया जाएगा? देखिए, वो लाख कार्रवाई करते रहे शिका जी, उनका काम है, वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम गलत है तो विस्तृत जांच करें। हमारे नेताओं ने भी कह दिया हम उनकी जांच में कोई बाधा नहीं डालेंगे, आप निष्पक्ष होकर जांच करिए, लेकिन कितने दिन करेंगे, अगर हमने चोरी की होती या किसी तरीके का गलत काम किया होगा तो हमें डर लगता, हम बाधित करने का काम करते हैं, हम आपको बाधित नहीं कर रहे। लेकिन एक बात जरूर बड़ी स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि आप जब तक सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते रहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता आपको जवाब देती रहेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार मन बना लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देख लिया है 4.5 वर्षों में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, किस तरह उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया, उत्तर प्रदेश की जनता इनको फाड़ फेंकने का काम करेगी। जी, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में कितनी सीटें जीत पाएगी सपा? हमारा संपर्क टूट गया है शौकत अली जी से। तो लगातार ये चीज सामने आ रही है कि अखिलेश यादव भी आग बबूला होते नजर आए, उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है, और आयकर विभाग की जो ताबड़तोड़ रेड हो रही है, क्योंकि जहां तक अभी
सपा की तरफ से बयान सामने आए हैं, तो सपा का कहना है कि कोई भी कार्रवाई की जाए लेकिन सपा की स्पीड धीमी नहीं होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा आगे बढ़ाएंगे लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर पर और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, ना कोई शोर शराबा ना कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक, आपकी आवाज को धार देते हैं हम, बात भ्रष्टाचार की हो या बढ़ते अपराध की, सच